लोक आस्था का महापर्व चार दिवसीय डाला छठ शुक्रवार से नहाय खाय के साथ शुरू हो गया। सूर्य उपासना के महापर्व छठ के दूसरे दिन शनिवार 18 नवंबर को खरना से व्रत की शुरुआत होगी। इस दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं और शाम को मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ वाली खीर का प्रसाद बनाती हैं और फिर सूर्य देव की पूजा करने के बाद ये प्रसाद ग्रहण करती है। इसके बाद व्रत का पारण छठ के समापन के बाद ही किया जाता है। ये छठ हम लोग को बिहार वासियों का प्रमुख त्यौहार है। ये छठ है बच्चों के लिए, अपने पुत्र के लिए ज्यादा किया जाता है। तीसरे दिन रविवार 19 नवंबर को महिलाएं निर्जला व्रत रहकर शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगी। महिलाएं नदी या तालाब में खड़ी होकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देंगी। चौथे और अंतिम दिन सोमवार 20 नवंबर को व्रती महिलाएं उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन करेंगी। गौरतलब हो कि लोक परंपरा में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महाछठ का पर्व मनाया जाता है। शाम को खीर, जो खरना बोलते हैं, उसमें खीर बनता है, गुड़ का, गुड़ और दूध में डाल के चावल का खीर बनता है। खीर बना के उसको रोटी बनता है, फिर उसको नेवज निकाला जाता है। जितने घर में मतलब पुत्र हो, जितने अर्घ दिया जाता है उतने का उसमें मतलब अर्घ दिया निकाल कर पूजा करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग रात में खा लेंगे, फिर उसके बाद पूरा रात भूखे रहेंगे। फिर दूसरे दिन हम लोग जो रात में ठेकुआ और नहीं होता है, ठेकुआ बनता है और मिठाई वगैरह बनता है, फल उल का सारा सामान खरीद के हम लोग अपने छठ घाटे के लिए तैयारी करते हैं। फिर तैयारी करके उसको दौरे में सजा के अपने घाट ले जाते हैं। पहला अर्घ जो शाम का होता है सूरज भगवान के यहाँ, जो गंगा किनारे जाते हैं। 3 दिन का व्रत होता है? हाँ, ये 3 दिन का व्रत होता है। फिर शाम को ले जाके वहाँ अर्घ देते हैं, फिर आते हैं हम लोग घर पे। ये किसके लिए रखा जाता है? पुत्र के लिए रखा जाता है, पति के लिए रखा जाता है, घर परिवार के लिए रखा जाता है। मान्यता के अनुसार छठ का व्रत संतान की प्राप्ति, उसकी दीर्घायु की कामना के लिए किया जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं हुई, इस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। महर्षि कश्यप के कहने पर राजा प्रियव्रत ने एक महायज्ञ का अनुष्ठान संपन्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी पत्नी गर्भवती तो हुई, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चा गर्भ में ही मर गया। पूरी प्रजा में मातम छा गया। उसी समय आसमान में एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया, जिस पर षष्ठी माता विराजमान थी। राजा प्रियव्रत ने उन्हें देखा और श्रद्धावश उनका परिचय पूछा। माता षष्ठी ने कहा कि मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री हूँ और मेरा नाम षष्ठी देवी है। मैं दुनिया के सभी बच्चों की रक्षक हूँ और सभी निःसंतान स्त्रियों को संतान सुख का आशीर्वाद देती हूँ। इसके उपरांत राजा प्रियव्रत की प्रार्थना पर देवी षष्ठी ने उस मृत बच्चे को जीवित कर दिया और उसे दीर्घायु होने का वरदान दिया। देवी षष्ठी की ऐसी कृपा देखकर राजा प्रियव्रत बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने षष्ठी देवी की पूजा आराधना की। मान्यता है कि राजा प्रियव्रत के द्वारा छठी माता की पूजा के बाद ये त्योहार मनाया जाने लगा। एक अन्य कथा है कि माता सीता ने भी छठ का व्रत किया था। लंका पर विजय पाने के बाद रामराज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया था, सूर्यदेव की पूजा की। सप्तमी को सूर्योदय के वक्त फिर से पूजा अर्चना कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। यह महापर्व सोमवार को उदयकालीन सूर्य को अर्घ्य देने के साथ पूर्ण होगा। इस दिन रोटियां बनाने के बाद बचे हुए आटे से एक छोटी सी रोटी बनाकर रख लिया जाएगा, जिसे ओटक कहते हैं। सोमवार को इसी रोटी को खाकर व्रत तोड़े जाने की परंपरा है।